हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 24 की शुरुआत में मिस्टर जेंग जी शिंग से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा। जी शिंग ड्रिंक करने वाली होती है कि ये मिस्टर जी शिंग से रेड वाइन लेते हुए कहता है कि मिस्टर जेंग व्हाइट वाइन पी रहे हैं तो तुम्हें भी यही पीनी चाहिए। हान तिंग कहते हैं कि पीने से आप जल्दी ड्रंक हो जाते हैं, इसलिए तुम दूसरों के लिए चीजें मुश्किल नहीं करो। हान तिंग की बात सुनकर ये इन्वेस्टर जी शिंग को फोर्स करना बंद कर देता है। मिस्टर जेंग कहते हैं कि हान तिंग सही कह रहा है, हमें एक लड़की से ये वाला लिक्विड पीने की रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये हान तिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हम दोनों ड्रिंक करते हैं। जी शिंग को भी ये देखकर बुरा लग रहा होता है क्योंकि हान तिंग को अल्कोहल से एलर्जी है। मिस्टर चेंग तो जल्दी से अपनी ड्रिंक पी लेते हैं। अब ये इन्वेस्टर ड्रिंक रखते हुए हान तिंग से कहने लगता है कि तुमने जी शिंग को तो ड्रिंक नहीं करने दिया, तो अब तुम्हें मिस्टर चेंग के साथ ड्रिंक करना होगा। जी शिंग ये देखकर कहने लगती है कि मिस्टर चेंग मैं आपके साथ ड्रिंक करती हूँ, लेकिन हान तिंग इसके हाथ से ग्लास पकड़ लेता है। हान तिंग एक ही बार में ये सारी ड्रिंक पी लेता है। ये देखकर जी शिंग बहुत ज्यादा हैरान होती है। ये देखकर ये सभी लोग हान तिंग के लिए तालियां बजाने लगते हैं। हान तिंग कहता है कि माफ करना, हमें एक जरूरी काम है, इसलिए हम मजीद नहीं रुक सकते। ये कहकर हान तिंग जी शिंग को अपने साथ लेकर चला जाता है। हान तिंग जैसे ही कार में आकर बैठता है तो ये तेंग सोंग से अपनी मेडिसिन मांगता है। मेडिसिन लेने के बाद भी हान तिंग की हालत खराब दिखाई दे रही होती है। ये देखकर जी शिंग हान तिंग से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। हान तिंग कहता है कि कुछ ही देर में मैं ठीक हो जाऊंगा। इतने में जी शिंग को कॉल आती है और उसको मालूम होता है कि जिस पेशेंट ने क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया था उसकी हालत खराब हो गई है, वो अभी हॉस्पिटलाइज है, तो मैं जल्दी से शिंगेंग हॉस्पिटल पहुंचना होगा। जी शिंग कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी आ रही हूँ। जी शिंग हान तिंग को बताते हैं कि वॉलंटियर के साथ एक मसला हो गया है, तो मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। हान तिंग तेंग सोंग को हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, लेकिन जी शिंग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम्हें घर पर जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन हान तिंग कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब जी शिंग और हान तिंग हॉस्पिटल आ जाते हैं। ईचर इन दोनों को बताता है कि उस पेशेंट ने घर पर जाने के बाद एहतियात नहीं की, गिरने की वजह से उस पेशेंट की हड्डी डिस्प्लेस हो गई है। ईचर कहता है कि पिछले जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, अगर आप नीचे गिर भी जाए तब भी इतना स्पेयर इशू नहीं आता। जिशन कहती है कि तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे प्रोडक्ट के साथ कोई मसला है। हान तिंग ईचर से कहता है कि तुम इस पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड दोबारा चेक करो। अब ईचर और हान तिंग मेडिकल रिकॉर्ड चेक करने लगते हैं। इतने में लिली आ जाती है और जिशन लिली के साथ पेशेंट से मिलने के लिए चली जाती है। ये पेशेंट जिशन से रोते हुए कहती है कि तुमने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें मुसीबत का सामना करना पड़ा है। जिशन कहती है क्या फिक्र नहीं करें, आपका जल्द दोबारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। वापस जाते हुए जिशन लिली से कहती है कि क्या तुमने नोटिस किया, फेंग में कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी। लिली कहती कि हाँ, जैसे वो हमें कुछ बताना चाह रही हो लेकिन बता नहीं पाई। हान तिंग अभी भी जिशन का इंतजार कर रहा होता है। ये देख कर लिली हान तिंग से कहती है कि तुम जिशन को वापस छोड़ देना, मुझे एक जरूरी काम है। ये कहकर लिली यहाँ से चली जाती है। अब वापस जाते हुए जिशन काफी परेशान दिखाई दे रही होती है। देख कर हान तिंग कहता है कि जब तक रिजल्ट सामने नहीं आ जाता तब तक तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिशन हान तिंग से कहती है कि बिजी होने की वजह से मेरे जहन से ही निकल गया, मुझे तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलना चाहिए था। हान तिंग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। अब हान तिंग जी शिंग को इसके घर तक छोड़ने के लिए आता है। जब जी शिंग अपने घर के अंदर जाने वाली होती तो हान तिंग इसको रोक लेता है और कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। जी शिंग कोई जवाब नहीं देती। हान तिंग कहता है कि जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आया। जी शिंग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हान तिंग कहता है कि अगर ऐसी बात हो तो फिर तुमने वो नेकलेस क्यों नहीं पहना। जी शिंग कहती है कि मुझे ये नहीं मालूम कि अभी हमारा रिलेशनशिप क्या है। हान तिंग जी शिंग से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारा रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। इतने में श्यामेंग दरवाजा खोल देती है। ये देखकर हान तिंग पीछे हट जाता है। जी शिंग श्यामेंग की आवाज सुनकर हान तिंग को बाय बोले बगैर ही अंदर चली जाती है। श्यामेंग हान तिंग से पूछती है कि क्या आप अंदर आना चाहेंगे। हान तिंग इनकार कर देता है। ये श्यामेंग से कहता है कि ये कचरा मुझे दे दो, मैं जाते हुए फेंक दूंगा। इसके लिए श्यामेंग हान तिंग को थैंक्स बोलती है। हान तिंग ये कचरा लेकर यहाँ से चला जाता है। श्यामेंग इसको यूँ जाता हुआ देख कर कहती है कि ये जेंटलमैन है। दूसरी तरफ शाओ किसी को फोन पर कह रहा होता है कि हनी तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। साथ ही लिली यहाँ पर आ जाती है, कहने लगती है कि क्या तुम फिर से वापस घर जा रहे हो। शाओ कहते हैं कि हाँ, घर पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लिली कहती है कि हर दफा जाने से पहले तुम यही कहते हो, लेकिन कभी भी तुम मुझे अपने घर नहीं लेकर गए। लिली शाओ से कहती है कि क्या तुमने अपने घर पर किसी सुंदर लड़की को छुपाया हुआ है। शाओ कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जानती हो कि मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही हो। लिली कहती है कि फिर तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं आने देते। शाओ कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दो। लिली कहती है कि तुम्हें कितना वक्त चाहिए। ये शाओ से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताने को तैयार ही नहीं हो। शाओ कहते है कि मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि गलती मेरी है। ये सुनकर लिली बहुत अपसेट हो जाती है और शाओ से कहती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। ये सुनकर शाओ यहाँ से चला जाता है। अब मिस्टर चेंग मिस जेंग से मिलने के लिए आ जाते हैं। ये बातों बातों में
में वे सिंह से कहने लगते हैं कि मैंने हान टिंग को पहले कभी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा। तो मिस सिंह कहती हैं कि उसको अल्कोहल से एलर्जी है, इसलिए वो कभी भी ड्रिंक नहीं करता। मिस्टर सिंह कहते हैं कि आज की डिनर पार्टी में तो हान टिंग ने ड्रिंक की है। ये बात सुनकर मिस सिंह बहुत हैरान होती है। तो मिस्टर सिंह कहते हैं कि ये ड्रिंक हान टिंग ने जी सिंह के लिए की थी। मिस्टर सिंह कहते हैं कि ऐसा सिर्फ तभी होता है जब आप किसी को बहुत पसंद करते हो। ये बात सुनकर मिस सिंह को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। अब फेंगमे के हस्बैंड को किसी की कॉल आती है और ये पर्सन फेंगमे के हस्बैंड से कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है। अगली सुबह फेंगमे का हस्बैंड डोंगिंग मेडिकल आ जाता है। सभी लोग फेंगमे के हस्बैंड को देखकर हैरान हो रहे होते हैं और इसकी पिक्चर्स खींच रहे होते हैं। दूसरी तरफ वी चेन जी शिंग को कॉल करके बता देता है कि फेंगमे गायब हो गई है, उसकी आज सर्जरी है, इसीलिए तुम्हें कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। जी शिंग अब जब बाहर आती है तो सीसा उसको बताता है कि मैंने सारा डेटा चेक कर लिया है, हमारे डिवाइस में कोई भी मसला नहीं है। जी शिंग कहती है कि हमें फेंगमे को मनाना होगा कि वो पहले अपना ट्रीटमेंट करवा ले। यहाँ से जाते हुए ये रिली और सीसा उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें जज्बाती नहीं होना। जी शिंग रिली और सीसा के साथ नीचे आ जाती है। यहाँ पर फेंगमे ये डिमांड कर रही होती है कि शिंग चेन की डिवाइस खराब है जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। जी शिंग फेंगमे से कहती है कि अभी तुम्हारी सेहत से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए तुम्हें फॉरन ट्रीटमेंट करवाना होगा। फेंगमे कुछ कहना चाह रही होती लेकिन इसका हस्बैंड इसको मना कर देता है। जी शिंग फेंगमे के हस्बैंड से कहती है कि कल तक तो आप लोग सर्जरी करवाने के लिए तैयार थे लेकिन अचानक क्या हो गया। फेंगमे का हस्बैंड शोर मचाना शुरू कर देता है कि तुमने सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारा नुकसान किया है। जी शिंग इसके हस्बैंड से ये कहने लगती है कि अगर इसका ट्रीटमेंट अभी नहीं हुआ तो ये दोबारा कभी चल नहीं पाएगी। तो फेंगमे का हस्बैंड कहता है कि अगर ऐसी बात हो तो फिर हमें पहले कम्पनसेशन के बारे में बात कर लेनी चाहिए, तुम हमें पहले कम्पनसेट करोगी उसके बाद ही हम हॉस्पिटल जाएंगे। ये सब देख कर फेंगमे रो रही होती है। हैना है कि मिस्टर चेन हान टिंग से मिलने के लिए आए होते हैं। इतने में तेंगसोंग आकर हान टिंग को बता देता है कि शिंग चेन के साथ क्या मसला चल रहा है। ये सुनते ही हान टिंग मिस्टर चेन से एक्सक्यूज कर लेता है और तेंगसोंग के साथ फौरन निकल जाता है। दूसरी तरफ जी शिंग फेंगमे के हस्बैंड से कहती है कि मैं ये बात पहले भी तुम्हें क्लियर कर चुकी हूँ कि हमारी कोई गलती नहीं, इसलिए हम तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाले। अब फेंगमे के साथ जो एक आदमी आया होता है वो सीजाओ का हाथ पकड़ लेता है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि इसने मुझे हिट किया है। सीजाओ यही बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया और चेशिंग इन सबको रिलैक्स करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन ये लोग इतने जज्बाती हो चुके होते हैं कि ये जज्बात में आकर चेशिंग को ही धक्का दे देते हैं। अब हान टिंग चेशिंग को आकर उठाता है। ये चेशिंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। चेशिंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। हान टिंग फेंगमे के हस्बैंड से आकर कहता है कि फेंगमे ने शिंग चेन टेक्नोलॉजी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि सर्जरी के बाद जो भी प्रॉब्लम होगी उसका शिंग चेन टेक्नोलॉजी से कोई भी लेना देना नहीं है। हान टिंग कहता है कि सर्जरी का सारा प्रोसीजर रिकॉर्ड हो चुका है, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मसला है तो हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाने में कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर फेंगमे अपने हस्बैंड को रोकना चाह रही होती है। फेंगमे का हस्बैंड कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं तो तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। हान टिंग तेंगसोंग को इशारा करता है। तेंगसोंग फेंगमे के हस्बैंड को अपने साथ लेकर चला जाता है। जी शिंग हान टिंग से कहती है कि तुम इसको पैसे क्यों दे रहे हो, लेकिन हान टिंग जी शिंग को चुप करने के लिए कहता है और जी शिंग को यहाँ से लेकर चला जाता है। जी शिंग हान टिंग से कहती है कि तुम्हें इस मसले में नहीं आना चाहिए था। हान टिंग कहता है कि मैंने तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। जी शिंग कहती है कि तुमने ये मसला पैसे देकर सॉल्व किया है, लोग तो यही सोचेंगे कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में ही कोई मसला है। हान टिंग कहता है कि तुम शिंग चेन के बॉस हो, तुम वहाँ पर खड़ी होकर उनके साथ बहस कर रही थी, क्या तुमने नहीं देखा कि कितने सारे लोग तुम्हारी पिक्चर्स और वीडियोस बना रहे थे। जी शिंग कहती है कि अगर वो बना भी रहे थे तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं उनसे सिर्फ फैक्ट के मुताबिक ही बात कर रही थी। जी शिंग हान टिंग को इस बात पर क्रिटिसाइज कर रही होती है कि इसने इस प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व नहीं किया। ये कहने लगती है कि क्या तुमने नहीं देखा कि उस आदमी को अपनी वाइफ की जान की कोई परवाह नहीं है, जैसे उसको पैसे मिले तो उसको जितनी भी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। हान टिंग कहता है कि तुम पहले ही जानती हो कि वो किस किस्म का इंसान है, उसके बावजूद भी तुम्हें ये उम्मीद है कि तुम फेंगमे की जान बचा लोगी, इस तरह की फैमिली के पेशेंट को तुम दोबारा से ट्रीटमेंट देना चाह रही हो। जी शिंग कहती है लेकिन मुझे फेंगमे को उस हालत में देखकर बहुत बुरा लग रहा था, मैं उससे फिर से बात करने की कोशिश करूंगी। इस इंसिडेंट की वजह से जी शिंग बहुत इमोशनल हो जाती है। हान टिंग नोटिस करता है कि जी शिंग के हाथ पर भी चोट लगी हुई है। ये जी शिंग से कहता है कि एक हादसा था, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये सुनकर जी शिंग रोने लगती है। अब हान टिंग जी शिंग को जब मेडिसिन लगा रहा होता है तो ये कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था लेकिन तुम मेरे साथ ही रूड बर्ताव कर रही हो। जी शिंग कहती है कि फिर तुम मुझे अकेला छोड़ दो। हान टिंग कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। अब हान टिंग सब जी शिंग के बैंडेज लगा देता है तो इसको रियलाइज होता है कि जी शिंग को भूख लगी है। ये जी शिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। जी शिंग अब सीसाओ को मैसेज करके पूछती है कि कंपनी में सब कैसा चल रहा है, तो सीसाओ कहता है कि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। दूसरी तरफ तेंगसोंग फेंगमे के हस्बैंड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेता है और फेंगमे का हस्बैंड तेंगसोंग से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं करूंगा। लेकिन दूर से इन दोनों की कोई वीडियो बना रहा होता है। अब हान टिंग जब खाना बना रहा होता है
तो जी शिंग भी बाहर आ जाती है। हान टिंग जी शिंग को ये एग्रीमेंट दिखाता है जिसमें ये लिखा होता है कि फेंगमे की इंजरी का शिंग चेन टेक्नोलॉजी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये पढ़कर जी शिंग बहुत हैरान होती है, तो हान टिंग कहता है कि ये मसला सॉल्व हो गया इसलिए तुम्हें भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। जी शिंग की नजर जब फिश टैंक पर पड़ती है तो ये हान टिंग से पूछती है कि ये फिश टैंक खाली क्यों है। हान टिंग कहता है कि मेरी आंट कहती है कि मेरी लाइफ बहुत ही बोरिंग है, इसलिए उन्होंने मुझे ये फिश टैंक गिफ्ट किया, लेकिन मेरे पास इन सब कामों के लिए वक्त नहीं है। अब जी शिंग की नजर इसके दिए हुए फिश मैग्नेट पर पड़ती है। जी शिंग इसको फिश पर लगा देख कर बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि तुम्हारे पास ये अभी तक है। हान टिंग इस बात पर हंसने लगता है। अब हान टिंग ने जी शिंग के लिए खाना बना लिया होता है। ये जिस तरह से सूप को डेकोरेट कर रहा होता है ये देख कर जी शिंग कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम खाना नहीं बना रहे, आर्ट का काम कर रहे हो। हान टिंग कहते हैं कि हमें हर चीज प्रॉपर तरीके से खानी चाहिए, और ये जी शिंग को बताता है कि पम्पकिन सूप कई रेस्टोरेंट्स में पहले सर्व किया जाता है क्योंकि लोगों का मानना ये है कि ये लक लेकर आता है। ये सुनकर जी शिंग कहते हैं कि फिर तो दूसरी डिशेज का भी कोई मतलब होगा। हान टिंग इसको दूसरी डिशेज की भी मीनिंग बताने लगता है। जी शिंग जब ये सूप ट्राई करती है तो उसको बहुत पसंद आता है। ये देख कर हान टिंग को भी खुशी होती है। जी शिंग हान टिंग को थैंक्स करती है कि हान टिंग ने इसके लिए इतना सारा खाना बनाया है। हान टिंग जी शिंग से कहते हैं कि अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते तो फिर तुम्हें कुछ करना होगा क्योंकि वर्ड्स काफी नहीं है। जी शिंग कहते हैं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। हान टिंग कहते हैं कि क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। ये सुनकर जी शिंग हंसने लगती है। हान टिंग जी शिंग से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जी शिंग कहते हैं कि ठीक है। हान टिंग कहते हैं कि तुम आज का दिन याद रखना क्योंकि आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर जी शिंग हान टिंग को किस करती है। इसके बाद हान टिंग अपना काम करने में बिजी हो जाता है। कुछ देर बाद जी शिंग इसके पास आकर पूछने लगती है कि तुम्हारे घर पर लेडीज बाथरोब और स्लीपर्स क्या कर रहे हैं। तो हान टिंग कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए थे। हान टिंग कुछ लिख रहा होता तो जी शिंग कहती है कि तुम्हारी कैलीग्राफी तो बहुत प्यारी है। हान टिंग जी शिंग से इसके कैलीग्राफी स्किल्स के बारे में पूछता है तो जी शिंग कहती है कि मेरी भी इतनी बुरी नहीं है। ये सुनकर जल्दी से हान टिंग कैलीग्राफी पेन और पेपर निकाल लेता है। जी शिंग कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। हान टिंग इसको कहता है कि मेरे पास आओ। जी शिंग जब हान टिंग के पास आती तो हान टिंग इसको लिखने के लिए कहता है। जी शिंग कहती है कि ये तो बहुत सिंपल है। जी शिंग अपना नाम लिखती है तो हान टिंग कहता है कि आपकी हैंड राइटिंग आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। हान टिंग जी शिंग के लिए इसका नाम लिखकर इसको दिखाता है। जी शिंग भी हान टिंग के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी हैंड राइटिंग हान टिंग जितनी अच्छी नहीं होती, इसलिए हान टिंग जी शिंग को प्रैक्टिस करवाने लगता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 24 खत्म हो जाती है।